हेलो एवरीवन, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे और वॉइस में हम लोग पढ़ेंगे आज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस से रिलेटेड और इसमें हम लोग बात करें अगर तो एक तो हम लोग को सिंपल फ्यूचर पढ़ना है, और दूसरा हम लोग को फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ना है। हम लोग को फ्यूचर टेंस में यही दो पढ़ने हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट में पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में हम लोगों ने भी यही पढ़ा था सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। तो इसमें कहा जाता है कि इन्हीं तीन सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। पास्ट के लिए भी इन्हीं तीन सेंटेंसों को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है और फ्यूचर की बात करें तो बस इन्हीं दो सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहले अब जरा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, ये जो है हम बता रहे हैं आपको, ये आधुनिक इंग्लिश है, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार इन्हीं सब का जो है एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बाकियों का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता क्यों नहीं है, तो इसका कारण यह है कि हमें इनके अलावा बाकियों की जरूरत ही नहीं होती है कन्वर्ट करने की पैसिव फॉर्म में। हम लोग उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कहीं पर यूज करते हैं, इसी वजह से हम लोग को जो है मॉडर्न इंग्लिश में बस इतना का ही एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना बताया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो बच गए हमारे पास, अगर हम उनका भी चाहते हैं क्या एक्टिव से पैसिव बनाना, तो हम बना सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या जोड़ना होगा, सिर्फ और सिर्फ बीइंग जोड़ना होगा। देखिए, जितने भी बच गए, यहाँ पे कौन बच गया है प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बच गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी यही बच गया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर हम बात करेंगे अगर फ्यूचर की, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से ये चार सेंटेंस ऐसे हैं, ठीक है, जिनका हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है पैसिव फॉर्म का, इसके कारण ही इनका जो है नहीं बनाया गया है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन हम लोग अगर बनाने की बात करें तो बना सकते हैं बीइंग लगा करके। ठीक है, और ये बात बताई किसने, ये बात बताई एक बहुत ही अच्छे ग्रामेरियन है, ठीक है, उनका नाम है माइकल स्वान। ठीक है, माइकल स्वान नाम के एक ग्रामेरियन है जिन्होंने ये बात बताई कि अगर हम जो है कन्वर्ट करना चाहें तो बाकियों को भी, यानी कि इन सब को जिनको छोड़ दिया गया है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे, तो सिर्फ और सिर्फ बीइंग लगा करके, यानी कि ये चारों में बीइंग सिर्फ जुड़ेगा, बाकी जो फॉर्मेट जैसे है वैसे ही रहेगा,
और कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं एक्टिव से पैसिव, वैसे ही बनेगा, बस सिर्फ और सिर्फ बीइंग हमको जोड़ देना है। और ये बात बताई किसने? माइकल स्वान ने। और ये क्या है? ग्रामेरियन है, ठीक है, यानी कि ग्रामर के ज्ञाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और बाकी जो चार हैं, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तब भी हम लोग इसमें से भी एक एक सेंटेंस जो है देख लेंगे कि किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में आए कि भाई इसमें तीन बताएं, इसमें तीन बताएं, इसमें दो बताएं। हो सकता है कुछ लोग सोचे कि लगता है सर को पता ही नहीं है कि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, उसका भी बताना चाहिए। हो सकता है कि जिन बच्चों को नहीं पता होगा तो वो तो यही सोचेंगे कि भाई चार टेंस होते हैं, तीन टेंस का बताएं, एक टेंस का सर जी को नहीं आता होगा और इसलिए नहीं बताएं। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग जो है कन्वर्ट इन सब का तो सीख चुके हैं कन्वर्जन, अब हम लोग इसका सीखेंगे, ठीक है, सिंपल फ्यूचर का और फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो चलिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन बता दिया। चलिए, तो फ्यूचर की बात कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्यूचर हम लोग पढ़ेंगे। और हमने जैसा बताया आपको कि हमारा मेन टारगेट है आपको सिखाना, ठीक है, ऐसे पढ़े कि आप सीख सकें और हम ऐसे पढ़ाएं कि आपको सिखा सकें। तो इसके कारण ही हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको सारी बातें बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से क्या कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें एक्टिव टू पैसिव। चलिए देखते हैं, हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर की, तो सिंपल फ्यूचर में क्या होगा देखते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आज लेते हैं एक सिंपल सा, आई विल टीच यू, सही है, सिंपल फ्यूचर का ही है। तो हमने सेंटेंस लिया आई विल टीच यू, जो कि किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अब इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए, जितनी चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं उतना तो काम करना ही है। सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है भाई ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो भाई यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा और किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो जरा देखिएगा क्या हो जाएगा ये आपका, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो ये हो जाएगा यू, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करें भाई, हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी हमने नहीं बताया, तो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देते, बाकी चीजें आपको पता है। तो अब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब छोड़ देंगे, मेन वर्ब को किस रूप में लेके आना है, तो वी थी के फॉर्म में, है ना। तो भाई टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, ये हो गया टॉट, ठीक है। उसके बाद आप जानते हो कि आई यहां पर सब्जेक्ट जो है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या होता है, मी होता है, ठीक है। और अब बच गया क्या, कि भाई ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाय का, तो बाय लगा दिया हमने। अब आपका सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है कौन, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो विल या सेल अगर आपको एक्टिव में दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, इसमें विल और सेल के साथ क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यू, तो यू के साथ आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि विल का प्रयोग होगा कि सेल का, क्योंकि हमने बताया कि जरूरत के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं जो यहाँ पे दिख रहा है वही उठा के यहाँ पे यूज कर देना है, ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे यू, यू के साथ क्या हो जाएगा, विल, यू विल बी टॉट बाय मी, ठीक है, तो बी जुड़ गया, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे
भाई आई के साथ तो सेल का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आई विल की जगह पे आप चाहे तो सेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप किसका बनाएंगे तब भी ये यही रहेगा, ठीक है। तो आई के साथ विल और सेल दोनों का प्रयोग हो सकता है, तो यहां पर भी हमने कर दिया, ठीक है। अगर आई सेल भी रहेगा तब भी आप क्या करेंगे, यू विल बी टॉट बाई मी, ठीक है, और आपका ये कन्वर्ट हो गया, ये आपका पैसिव फॉर्म है, ठीक है। इस तरह से तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि विल और शैल के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिव में क्या करना है, बी जोड़ देना है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट इसको लिख लीजिए आप लोग पहले। चलिए इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की, ठीक है। कंटिन्यूअस का तो होता नहीं है, लेकिन हम बताएंगे उसके बारे में भी आगे। अभी हम लोग देख लेते हैं किसको, तो फ्यूचर परफेक्ट को। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, दूसरा फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेते हैं ही विल हैव पोस्ट, ठीक है, या चलो ही विल हैव टॉट मी इंग्लिश, या बस रहने दे टाइम अभी सिंपली, तो ही विल हैव टॉट मी, इतना हो गया। अब इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा ये जरा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं, सबसे पहला आपको डिसाइड कर लेना है ये सब्जेक्ट है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है जो खुद वी थिंग के फॉर्म में है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बना देना है, तो भाई मी है, ठीक है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये आप जानते हैं, आई कर लिया हम लोगों ने। हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं पता है, छोड़ देंगे अभी जगह। उसके बाद मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में रहेगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि थर्ड फॉर्म में ही है, तो टॉट का टॉट ही रहेगा। उसके बाद आप जानते हैं कि ही सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट जब आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में ही का होता है हिम, और जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ठीक उसके पहले बाय का प्रयोग करते हैं, तो बाय हो गया। अब बच गया आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हैव दिख रहा है ना, तो आप जानते हैं कि हैव के बाद किसका यूज करते हैं, बीन का, तो बस इसमें बीन जोड़ देना है, तो विल हैव बीन, और आपका ये कंप्लीट हो गया। ये आपका एक्टिव था और जो बना वो पैसिव है। तो इस तरह से आपने सीखा फ्यूचर परफेक्ट का क्या कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो कहना है कह सकते हैं, और ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या था, या तो विल या शैल के साथ आपका हमेशा हैव रहेगा। यहां पर ध्यान देना, यहाँ पे हैज कभी नहीं हो सकता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हैज लगा रहता है, और ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या हैज पर ध्यान नहीं देते हैं, बाकी सेंटेंस को देख लेते हैं और फिर सही का टिक मार देते हैं और उनका गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये विल सेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ हमेशा हैव रहेगा फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सिंगुलर और प्लुरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग विल या सेल का प्रयोग करते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि सेल का प्रयोग सिर्फ दो के साथ होता है, आई और वी के साथ, बस इन दोनों के साथ ही सेल का प्रयोग होता है, बाकियों के साथ विल का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे सिंगुलर या प्लुरल कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लुरल कहेंगे तो यू भी आ जाता है,
ठीक है, और जब यू आता है तो यू के साथ सेल का प्रयोग होना चाहिए जो कि नहीं होता है, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम उससे बेहतर क्या है कह सकते हैं कि आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है। वैसे आई और वी आई के साथ जो है विल का प्रयोग भी हो जाता है, ठीक है ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो और हैज का प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। और जब इसका हम क्या करेंगे, जब इसका हम पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ यानी कि विल और सेल जैसे है जरूरत के अनुसार वैसे आएगा, बाकी हैव है तो हैव का हैव रहेगा ही, इसमें बस एक नई चीज जुड़ जाएगी वो क्या है बी। और इस तरह से देखिए आपने बहुत ही आसानी से बाकी चीजों को देख लिया है, ठीक है, और आपका ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक्टिव से पैसिव में। तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर हम लोगों ने चार सेंटेंस लिए हैं, ठीक है। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं सेंटेंस कौन से हैं। देखिए क्या है, ही हैज बीन राइटिंग, ध्यान दीजिए, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरे सेंटेंस को देखिए, मिस्टर ठाकुर हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 6 मंथ, तो ये क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट द बॉयज विल बी, यहाँ पे विल बी देख रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट दे विल हैव बीन, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह से ये वो चार सेंटेंस लिए हैं हमने जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको नहीं बताया। और क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उस ट्रांसफॉर्मेशन की, उस पैसिव फॉर्म की यानी कि ये चार सेंटेंसों के पैसिव फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश में इसके बारे में कोई भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव फॉर्म में नहीं बताया गया, लेकिन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात किसने बताई थी, तो माइकल स्वान जो है एक ग्रामेरियन है, ठीक है, यानी कि ग्रामर के विद्वान है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बस करते क्यों नहीं है उसकी वजह हमारे ना यूज होना, ठीक है, इसका कहीं पर यूज ना होना वो वजह है जिसके कारण इसको मॉडर्न इंग्लिश में नहीं बताया गया है। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो सिंपली अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि जब भी आपको आईएनजी दिखाई दे तो इसके लिए क्या करना है, बस बीइंग लगा देना है, ठीक है। तो हर जगह आप देखिए कि आईएनजी दिखाई दे रहा है, तो हर जगह जहां जहां आईएनजी दिखाई दे रहा है वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको बीइंग जोड़ देना है, और बाकी जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे कन्वर्ट कर देना है, देख रहे हैं ना। अब देखिए इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहां पर देखिए कह रहा है ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं ये हमारा सब्जेक्ट हैज बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग हमारा मेन वर्ब है, और लेटर ठीक है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी अदर चीजें हैं, ठीक है। तो अदर से तो हमें कोई मतलब नहीं है, अदर को हम अदर के जगह पे जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको अब कन्वर्ट अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे देख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट जब बनेगा तो अ लेटर ही रहेगा। अब आगे देखिए, अब अ लेटर सिंगुलर या प्लुरल, क्योंकि हमें सिंगुलर या प्लुरल के हिसाब से ठीक हैज या हैव में से किसी एक को चुनना है, ठीक है, क्योंकि हम पहले कह चुके टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, बस जरूरत के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो है वो बदल सकते हैं। तो भाई ये सिंगुलर है तो हैज ही आएगा, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा,
लगा हुआ है जैसे वैसे ही लगा रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ इस आईएनजी के लिए बीन के बाद हम क्या जोड़ देंगे, बीइंग, ठीक है। और हमारा जो मेन वर्ब है वो किसी भी फॉर्म में है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें पैसिव में वी थ्री फॉर्म में रखना है, तो वी थ्री करेंगे तो ये हो जाएगा रिटेन, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट के लिए पहले बाई, तो बाई और उसके बाद ही के लिए हिम, ठीक है। तो अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय हिम, बाकी अदर चीजें तो अदर चीजें कर लेते हैं, फॉर एन आवर, ठीक है, बस हो गया कन्वर्ट। देखिए कितना आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसा नहीं था कि बहुत भारी था इसलिए छोड़ दिया गया, ठीक है, बस यूज नहीं था, क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती उसे हम भाई क्यों मतलब उसमें अपना समय व्यर्थ करें, ऐसी कुछ बातें हैं जिसके कारण इसे नहीं बताया गया, चलिए, लेकिन भाई बना सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं और आप भी देख लीजिए, अगर बाय चांस कोई पूछ दिया तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे आप कन्वर्ट करते हो वैसे करो, आईएनजी देख के खाली बीइंग लगा दो, ठीक है, बाकी जितना आप जानते हो उतना करना ही है, ठीक है। यहाँ पे भी मिस्टर ठाकुर आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे इतना पार्ट आपका मेन वर्ब हो गया, दिस बुक आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और ये चीज क्या हो गई अदर, ठीक है। चलिए कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा दिस बुक, ठीक है। उसके बाद दिस बुक के बाद आपको क्या चाहिए भाई, इसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब, तो भाई हैड तो एक लौता है, तो हैड तो हैड ही रहता है अपने फॉर्म में, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, तो हैड का हैड ही रहेगा, बीन लगा हुआ है बीन लगा देंगे। उसके बाद राइटिंग है, तो राइट है यानी कि, तो किसी भी फॉर्म में इसको वी3 करना है, लेकिन उसके पहले आईएनजी के लिए क्या लेके आना है, बीइंग लेके आना है, तो बीइंग लगा देंगे और राइट का क्या हो जाएगा रिटेन, ठीक है। उसके बाद मिस्टर ठाकुर है, तो मिस्टर ठाकुर के पहले ऑब्जेक्ट बनेगा ये, लेकिन उसके पहले हमें किसका प्रयोग करना है, बाय का, तो बाय मिस्टर ठाकुर, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर 6 मंथ, अदर चीजें जैसे हैं वैसे हमें जोड़ देना है, बात खत्म, ठीक है। और ये आपका हो गया दूसरा सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस पे आते हैं, फिर से वही बात, पहले डिसाइड कर लेते हैं, द बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अदर चीजें नहीं दिख रही हैं, कोई मतलब नहीं हमें अदर चीजों से, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो हॉकी हमने लिख लिया, अब हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब हॉकी के साथ क्या आएगा भाई, विल के साथ, विल ही रहेगा विल के बदले, ठीक है, तो हॉकी विल बी है तो बी रहेगा। अब यहाँ पे प्लेइंग में आईएनजी दिख रहा है, तो इसके लिए हमें क्या लेके आना है, बीइंग लेके आना है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि दो बार कैसे लिख दी है, लिख सकते हैं, बस आपको इसके बदले बीइंग जोड़ना है, ठीक है, बीइंग। अब यहाँ पे किसी भी फॉर्म में हो मेन वर्ब, हमें वी3 यूज करना है, तो यहाँ पे प्लेड हो जाएगा। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, द बॉयज, द बॉयज के पहले बाय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद द बॉयज, और आपका देखिए ये आसानी से कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, देखिए बिल्कुल आसान है और आसानी से आप सीख भी गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दे विल हैव बीन मेकिंग द टॉयज फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए डिसाइड करेंगे, दे सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेकिंग मेन वर्ब हो गया, द टॉयज ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी ये चीजें अदर, तो अदर को अदर की जगह पे रखेंगे, यानी कि जहां पे वहीं पर छोड़ देंगे, है ना, कन्वर्ट करेंगे, तो द टॉयज, अब देखिए प्लुरल है तो क्या यहाँ पे सेल का प्रयोग करेंगे, नहीं, हमने बताया सेल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, आई और वी के लिए, तो द टॉयज यहाँ पे हो जाएगा क्या, विल हैव बीन, जितना है उतना तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या है, मेकिंग में आईएनजी दिख रहा है, तो आईएनजी के लिए बीइंग आ जाएगा, और मेक ये इसका वी3 क्या होता है, मेड होता है, ठीक है,
तो ये हो गया मेड। उसके बाद आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उसके पहले क्या आपको बाय का प्रयोग करना है, तो मेड बाय और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम, ठीक है देम। अब बाकी अदर चीजें हैं फॉर टू इयर्स, तो फॉर टू इयर्स, तो देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है, आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए इसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने चार सेंटेंस आप लोग को दिए हैं, आपको ये चार सेंटेंस पहले बनाने हैं, तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और ये चार सेंटेंस पहले आप बनाएं खुद से, क्योंकि ये सब सेंटेंस जो आप देख रहे हैं ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसके पैसिव फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बता चुके हैं हम, तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लें, कॉपी पे इसे नोट कर लें और इसे बना लें, फिर जब हम अपना बताएंगे आंसर तो आप हमारे आंसर से अपना आंसर मैच कराइएगा और आप देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है, और आपने कहाँ पे गलती की, क्योंकि जब आप बनाएंगे देखेंगे चेक करेंगे अपने आप को तभी आप सीख भी पाएंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो देखिए एक से दो मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी से इन चारों क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके और फटाफट जो है इसे बना लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। कह रहा है द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, ठीक है, तो भाई विल दिख रहा है मतलब ये कौन सा टेंस है, वो तो पता चल ही गया, फ्यूचर कौन सा सिंपल, सिंपल फ्यूचर है ये, है ना, तो सिंपल फ्यूचर है, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आराम से हम लोग इसको बना सकते हैं। और वैसे भी भाई हमें टेंस का पता चले या ना चले, बनाने का तरीका क्या है वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले भाई डिसाइड कर लेते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो द लेटर्स, ठीक है। अब उसके बाद भाई द लेटर्स प्लुरल है तो क्या सर का प्रयोग नहीं, विल का ही रहेगा, तो विल, और उसके बाद जब सिर्फ विल या सेल दिखाई देता है तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं, तो विल बी, और डिलीवर मेन वर्ब सिंगुलर किसी भी फॉर्म में, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बी थी फॉर्म में लिखना है, तो डिलीवर्ड हो जाएगा, है ना, डिलीवर्ड, ठीक है। और उसके बाद भाई ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द पोस्टमैन, इसके आगे क्या प्रयोग होगा, बाई, लिखेंगे बाय द पोस्टमैन, ठीक है, हो गया कन्वर्ट। दूसरा फिर भाई काम पर डिसाइड कर लेते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहां से यहां तक, ये मेन वर्ब, और उसके बाद आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो द टेररिस्ट का द टेररिस्ट, ठीक है, द टेररिस्ट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, विल हैव है, तो भाई हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, तो इसमें क्या कर देना है, आपको क्या जोड़ देना है, हमें बताया था हैव के बाद क्या जुड़ता है, तो बीन, तो ये हो जाएगा विल हैव बीन। उसके बाद कॉट है वी थ्री फॉर्म में, तो वी थ्री जाएगा कॉट, ठीक है। कॉट किसका वी थ्री होता है, कैच का, ध्यान रखिए कैच मतलब पकड़ना, पकड़ने का वी थ्री कॉट, ठीक है, पकड़ा, तो हैव बीन कॉट। उसके बाद द पुलिसमैन है, तो किसके द्वारा हो जाएगा, बाय द पुलिसमैन, बाय द पुलिसमैन, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है द सर्वेंट हैज डन हिज ड्यूटी, तो इसका क्या हो जाएगा, फिर से डिसाइड कर लेते हैं, सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ड डन, ठीक है, मेन वर्ड हिज ड्यूटी, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो हिज ड्यूटी एक साथ, हमने बताया था यहाँ पे हिज क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है, पसेसिव एडजेक्टिव है, तो ये एक साथ रहता है, जो उसके साथ नाउन होता है उन दोनों के साथ, ठीक है, हिज ड्यूटी का, हिज ड्यूटी दोनों आ जाएगा यहाँ पे, हिज ड्यूटी। उसके बाद
हैज का अगर हम बात करें तो हैज और हैव के साथ किसका प्रयोग होता है, बीन का प्रयोग होता है, तो हिज ड्यूटी के सिंगुलर है तो हैज ही रहेगा, तो हैज बीन, ठीक है, मेन वर्ब थर्ड है तो डन का डन रहेगा, ठीक है, बाय द सर्वेंट। नेक्स्ट, राहुल पेंटेड दिस पिक्चर, तो राहुल, ठीक है, सब्जेक्ट पेंटेड, हेल्पिंग वर्ब सॉरी पेंटेड मेन वर्ब, दिस पिक्चर ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए भाई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिए तो दिस पिक्चर हो गया, ठीक है, दिस पिक्चर। अब उसके हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है, तो भाई हेल्पिंग वर्ब किस केस में दिखता है, तो दो केस में, ठीक है, एक तो सिंपल प्रेजेंट के केस में और एक सिंपल पास्ट के केस में छुपा रहता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में डू और डस के रूप में छुपा रहता है और सिंपल पास्ट में ये डिड के रूप में छुपा रहता है, ठीक है। और अगर हम डू डस के बदले अगर लाना चाहते हैं तो इज आर और एम में से ही कोई एक आता है, और डिड के लिए लाना चाहते हैं तो वाज या वर में से कोई एक आता है, किसमें, तो पैसिव में, ठीक है, चलिए वाज या वर में से कोई एक रहेगा पैसिव में, तो ठीक है, डिसाइड कर लेते हैं कि क्या है। तो डिसाइड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मेन वर्ब को देख करके डिसाइड करेंगे कैसे, अगर एस या ई एस लगा हुआ है तो समझ जाते हैं V5 है, और V5 किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, और ठीक है ये पहचानने का तरीका है। और एस ये किसके साथ रहता है, तो ये सिंगुलर के साथ रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका राहुल क्या है, सिंगुलर ही है, तो भाई इसमें ऐसे ये नहीं दिख रहा, लेकिन ईडी दिख रहा है, तो ईडी जो लगता है अक्सर ही वो किस में लगता है, आप जानते हैं, ये लगता है आपका V2 में लगता है ईडी, ठीक है, V2 या V3 में, तो भाई V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा, V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आ सकता, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता V3, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आता कौन है, V2, ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे डिड इसमें छुपा हुआ है, तो भाई डिड छुपा हुआ है तो क्या आना चाहिए, वाज या वर में से कोई एक, तो दिस पिक्चर सिंगुलर या प्लुरल, तो सिंगुलर तो वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेंटेड, अभी V2 था और V3 भी पेंटेड ही होता है, तो पेंटेड ही रहेगा ये, और उसके बाद बाई राहुल, किसके द्वारा, राहुल के द्वारा, बाई राहुल, ठीक है। और इस तरह से आपका ये कन्वर्जन हो गया, और अब आप अपने आंसर से मैच करा लीजिए, देखिए आपका कितना सही हुआ और आपने क्या गलती की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।